वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एसआईटी के सामने चिन्मयानंद का कबूलनामा, मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं। रेप के अलावा चिन्मयानंद ने लगभग सभी आरोप कबूल किए हैं। एसआईटी ने कहा, हमारे पास पुख्ता सबूत है। चिन्मयानंद पीड़िता और उसके दोस्तों के खिलाफ पर्याप्त सबूत है। कुछ सबूत हासिल करने के बाद पीड़िता पर भी कार्रवाई होगी। चिन्मयानंद से 5 करोड़ रुपए वसूलने की बात आरोपियों ने कबूल की है। तो आज सुबह से ही लगातार उस मामले पर नए अपडेट सामने आ रहे हैं। पहले आज सुबह गिरफ्तारी की गई चिन्मयानंद की, उसके बाद 12 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया है। और अब इस पूरे मामले पर एक नया अपडेट सामने आ रहा है। एसआईटी के सामने चिन्मयानंद का कबूलनामा सामने आया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उन्होंने कहा है कि मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूं। तो कबूलनामा सामने आया है। रेप के अलावा उनके ऊपर कई आरोप और भी लगे हुए हैं और उन सभी आरोपों को स्वामी चिन्मयानंद ने कबूल किया है। तो एसआईटी ने कहा, हमारे पास इसके लिए पुख्ता सबूत है। चिन्मयानंद पीड़िता और उसके दोस्तों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हमारे पास पड़े हुए हैं। तो बता दें कि एक लॉ की छात्रा ने चिन्मयानंद के ऊपर रेप के आरोप लगाए थे और लगातार इस पूरे मामले पर सियासत चलने में लगी हुई थी और अब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही थी। और आज आखिरकार पुलिस टीम पहुंची और स्वामी चिन्मयानंद को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद मेडिकल कराया गया और उसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और अब नया अपडेट सामने आ रहा है कि चिन्मयानंद ने अपनी सारी गलतियां कबूल की हैं और कहा है कि मैं इन सब के लिए शर्मिंदा हूं। तो आखिरकार अपने सभी आरोपों को उन्होंने कबूल किया है और एसआईटी के सामने ये चिन्मयानंद का कबूलनामा आप देख सकते हैं। तो आज सुबह ही उनकी गिरफ्तारी की गई थी, उसके बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया था। जिस तरीके से खबरें सामने आ रही थी कि कल पीड़िता ने ये कहा था कि अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं की जाती है तो मैं आत्महत्या कर दूंगी, और आज सुबह पुलिस ने एक्शन लिया और कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार कर दिया है। तो कई संगीन आरोप चिन्मयानंद के ऊपर लगे हुए हैं, कई लड़कियों के साथ रेप के आरोप उनके ऊपर लगे हुए हैं और आज उन्होंने इसे कबूल किया है। तो 5 करोड़ रुपए वसूलने की बात आरोपियों ने कबूली है। अब लगातार एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। एसआईटी हर पहलू को देखते हुए पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और एसआईटी जिस तरीके से लगातार कार्रवाई कर रही है, अलग अलग बयान अब नजर आ रहे हैं। चिन्मयानंद ने अपना आरोप, उनके ऊपर लगे जो आरोप है उन सभी को कबूल किया है और अभी भी एसआईटी लगातार पूछताछ कर रही है, उनके पास पुख्ता सबूत है। इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शिवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, एक नया मोड़ चिन्मयानंद के केस ने लिया है, क्या कुछ जानकारी? जी, आज सुबह स्वामी चिन्मयानंद को एसआईटी ने उनके आश्रम से जो है वो गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद जो है वो उनको मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर में लेकर के गए और वहाँ उनका मेडिकल हुआ। उसके बाद सीजीएम की अदालत में जो है उनको पेश किया गया, जहाँ से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उनको शाहजहांपुर की जिला जेल में भेजा गया है। वहीं दूसरी ओर जो है वो स्वामी को जेल में दाखिल करने के थोड़ी देर बाद ही जो है वो जो 5 करोड़ की जो रंगदारी मामले में 3 जो आरोपी लड़के थे, जो वो लड़के को जो है वो मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया, वहाँ उनका मेडिकल हुआ और वहाँ से उनको जो है सीजीएम की अदालत में पेश किया गया। वहाँ से भी उनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जो जेल भेजा गया है। वहीं इसी दरमियान जो है जो एसआईटी चीफ है आईजी नवीन अरोड़ा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी अरोड़ा ने बताया कि जो है कि स्वामी चिन्मयानंद ने अपने लगभग सभी आरोप जो है वो स्वीकार कर लिए हैं। उन्होंने बलात्कार की बात तो नहीं किया है, लेकिन मसाज और इस तरीके की जो आरोप है वो सारे के सारे स्वीकार किए हैं। वहीं 5 करोड़ की जो
रंगदारी वाला मामला है उसमें एसआईटी चीफ ने बताया है कि जो पीड़ित लड़की है वो भी उस 5 करोड़ के वसूली गैंग का एक हिस्सा है। इसमें 4 लड़के और हैं जिनमें 3 लड़कों को अभी भेजा गया है। इसके अलावा जो है वो पीड़ित लड़की है उसको भी जेल तो नहीं भेजा गया है, लेकिन आईजी ने स्पष्ट किया है वो उसी 5 करोड़ की वसूली गैंग का हिस्सा है। जी जी शिवेंद्र, आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे।